हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू फाडो फिजिक्स बाय वीके। तो आज हम डिस्कस कर लेते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1.13 एनसीईआरटी चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टेट। तो ये जो न्यूमेरिकल है डिपेंड करता है लास्ट वाले 1.12 के ऊपर। तो उसमें ऐसा दिया गया था कि चार्ज ए एंड बी लिया था हमने, चार्ज ए और चार्ज बी, ठीक है, दोनों ही आइडेंटिकल थे। और थर्ड चार्ज जो है अनचार्ज, ये कैसा चार्ज है, तो इसके ऊपर चार्ज कितना था, तो इसके ऊपर चार्ज था क्यू 6.5 इंटू पावर -7 कूलम, जिसको हम क्यू बोलते थे, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। अब तीसरा स्फेयर जो सी, जो अनचार्ज है, क्या है ये अनचार्ज, तो उसको क्या करा गया, तो उसको देखो विद द फर्स्ट, उसको कांटेक्ट में, बट द अनचार्ज इज ब्राउट इन अ कांटेक्ट विद द फर्स्ट। तो पहला जो है इसके कांटेक्ट में लाया गया, तो यहाँ पे देखो कांटेक्ट किसका हुआ, ए और सी का कांटेक्ट हुआ। चार्ज कितना था क्यू, दोनों ही आइडेंटिकल है। तो ये जो है अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये चार्ज क्या होंगे, शेयर होंगे, क्या होंगे, चार्ज शेयरिंग होते हैं। तो ये चार्ज शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये डिपेंड करता है पोटेंशियल के ऊपर, है ना। तो ये चीज़ आप पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर 2 में पढ़ने वाले हो ये चीज़। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि जब तक पोटेंशियल सेम नहीं होता है तब तक ये चार्ज फ्लो होता रहता है। तो अभी दोनों आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल होने की वजह से चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये सेम ये भी सेम है। तो यहाँ पे क्यू है तो टोटल चार्ज क्यू है ना डिवाइड बाई 2 कर लो, तो ये आएगा जो है इसके ऊपर चार्ज, जो एक के ऊपर आने वाला चार्ज जो होगा वो होगा क्यू बाई 2। तो मतलब आफ्टर क्या हो जाएगा, ए के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्यू बाई 2 और सी के ऊपर चार्ज आ जाएगा क्यू बाई 2। समझ आ रहा है ये चीज़, ठीक है, क्यू बाई 2 हो गया। अब क्या बोला, अब जो है देन ब्राउट इन अ कॉन्टेक्ट विद द सेकेंड वन, मतलब अब जो सी जो है बी के साथ कॉन्टेक्ट में लेके जा रहा है, इसके ऊपर कितना चार्ज, क्यू चार्ज है। तो यहाँ देखो ये फर्स्ट कॉन्टेक्ट हुआ, फर्स्ट कॉन्टेक्ट। अब सेकेंड कॉन्टेक्ट की बात कर रहे हैं हम, सेकेंड कॉन्टेक्ट में देखो बी सी का कॉन्टेक्ट कर रहे हैं हम, तो ये क्यू था इसके ऊपर, ये क्यू है क्यू बाई 2, तो टोटल चार्ज बटे कर लो, तो क्यू जो शेयरिंग में आएगा टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू बाई 2 बटे 2, तो ये हो जाएगा कुछ, ये अपना हो जाएगा एक पूरा और एक आधा, तो ये होता है डेढ़, डेढ़ मतलब 3/2, तो 3/2, 2 था नीचे 4, 3/4 क्यू ये हो गया, ठीक है। मतलब इसके ऊपर कितना आएगा आफ्टर, इस बी के ऊपर हो जाएगा 3³/4 और सी के ऊपर हो जाएगा 3³/4। समझ आ रहा है। अब क्या हो जाए, व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, चलिए लेके आते हैं ए और बी को। तो यहाँ पर थोड़ी मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि खिच पिच ना हो जाए, ठीक है। अब ये रियल सवाल है, ये हो गया आपका, ये हो गया बी, सेम अंतर 50 सेंटीमीटर, है ना। तो क्या होगा, तो ये हो गया अपना ए के ऊपर कितना चार्ज होगा आफ्टर कॉन्टेक्ट क्यू बाई 2, ये हो गया 3³/4। तो लगने वाला फोर्स जो होता है हमेशा लिखा जाएगा एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अपना 9 × 10⁻⁹, क्यू वन जो है आपका है कितना क्यू बाई 2, क्यू बाई 2 यहाँ पे लिखा मैंने 3³/4। नीचे जो है डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर है, उसको करो मीटर में तो 2500⁴, ये हो गया, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डालता हूँ वैल्यू सारी, तो 9 × 9 तो क्यू का स्क्वायर हो जाएगा 6.5 × 10⁻⁶। वैसे हम लास्ट सवाल से कुछ देख ले तो थोड़ा बढ़िया हो जाएगा, जो डेटा हमारे पास है इसको और छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे देखो तो ये के क्यू वन क्यू टू, इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, यहाँ पे के क्यू तो वही है बाई 2, 3 क्यू लिखा साइड में, क्यू 4 को लिखता हूँ नीचे में,
ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? 3 Q Q Q तो वही है ना, बस आधा हुआ है, 3/4 हुआ, 3/4 आधा हुआ। तो यहाँ पे देखो आर एस को, तो वही रहा, तो ये तो वही है ना। तो हमें क्या करना है, जो भी फोर्स मिला हमें, लिख लेते पहला, तो जो भी फोर्स हमें मिला उसका हमें क्या करना है, 3/8 कर देना है। तो फोर्स हमें क्या मिला था लास्ट वाले सवाल में, देख लेते हैं। फोर्स हमें मिला था यहाँ पे 15.21 × 10⁻³। 15 × 15.21 × 10⁻³ है ना, ऐसे ही कुछ था। देखो यहाँ पे, तो वही चीज़ हम कर लेते यहाँ पे, तो हमारा सवाल और भी आसान हो जाएगा। तो ये 15.21 × 3, तो ये आपको आता है 5.7 × 10⁻³ न्यूटन। ये दोनों के बीच लगने वाला फोर्स होगा, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है,